फर्स्ट क्लास थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, तो प्लीज ये चीज शाबाश मास, तैयारी पकड़ने का गुड हो गया। मास बकायदा उंगलियां चटका के तैयारी कर रहा है। तो मैं कुछ तीन चार स्टूडेंट्स का फिलहाल रिकॉर्ड जो है, पांच छह स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड जो मैं कर सकता हूँ। नॉर्मल हम कम कम रिकॉर्ड करेंगे, हमें शीट सिर्फ बनानी है और समझना है, लंबी नहीं करनी है, शीट बनानी समझना है, ठीक है। तो लाइक ये हमारी रिजल्ट शीट हो जाएगी। जी जी मीटिंग्स मैं डिस्पेस शो कर रहा हूँ, सॉरी। ठीक है जी, तो रिजल्ट हो गया हमारे पास। और फॉर एग्जाम्पल यूजुअली क्या होता है, स्टूडेंट का नेम आ जाता है, नेम आ गया, ठीक है। इसके अलावा क्या हो सकता है, फिलहाल फादर नेम नहीं रख रहे हम। अच्छा रोल नंबर हमें पता है ना क्या आ जाएगा, आप लोग लिख लेंगे ना बाद में, अभी फिलहाल अगर मैं कॉलम ना आ रहा हूँ मसला तो नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि ये वैल्यू तो हम पेपर से देखकर लिखनी होती है और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इवन यही क्या होगा, मैं आप में किसी को बोलूंगा बेटा ये पांच रोल नंबर है मुझे टैली करके बता दो, और वही हम यहाँ लिख दो, मतलब वही मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। तो हम इसको छोड़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, हम सब्जेक्ट्स पर आते हैं। सब्जेक्ट्स किस तरह मैनेज करने पड़ते हैं हमें, कैसे होते हैं सब्जेक्ट्स, मैं ही चाह रहा हूँ फ्रॉम 100 नंबर दाएं, कितने 100 में से नंबर दाएं। तो मैंने कहा ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश, मैथ्स, बायोलॉजी, सो 1 2 3 4 एंड 5 सब्जेक्ट्स, ठीक है। हम 5 सब्जेक्ट्स फिलहाल काम कर रहे हैं और आउट ऑफ 100 हम इनको नंबर्स देंगे। तो सब्जेक्ट के बाद क्या होगा, क्या कैलकुलेट होगा इनका, टोटल ऑब्टेन मार्क्स, ये टोटल ऑब्टेन मार्क्स भी आ गए, ठीक है। इसके बाद क्या कैलकुलेट होगी इनकी, परसेंटेज, अभी टोटल ऑब्टेन मार्क्स है कितने में से आएंगे, आउट ऑफ 500, ऐसा ही है ना, क्योंकि टोटल सब्जेक्ट कितने हैं, 5 है, तो ये सीन है, परसेंटेज आ जाएगी। इसके बाद परसेंटेज के बाद क्या बन जाएगा हमारे पास, सेटअप करते हुए आते हैं टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। कितने स्टूडेंट्स हैं, कोई 4 से 5 स्टूडेंट्स होंगे मेरे पास, तो आईडी सेट करते हैं, 1 स्टूडेंट नाम लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले कौन आ गया मेरे पास, आपका नाम क्या है, MEH, सही स्पेलिंग है। इसके बाद कौन है, इसके बाद हमारे पास है मुआज, बस ये काफी है, ये दो। उसके बाद कौन है मेरे पास, वजाहत, भैया तुम लोगों में सबके नाम अभी मुझे याद नहीं हुए, तो जिन जिनका नाम याद है उसके बाद कौन है, अमीन या अमीर, आर, और कौन आना चाह रहा है ना, हसन, पूरा नाम बताओ, पूरा पूरा हसन, ओके नो इशू। तुम्हारा नाम मैंने सुना था, किसी ने मुझसे पूछा था, लेकिन मैंने कहा शायद मेरी क्लास में नहीं पढ़ता, तो यार चलो खैर है, मसला नहीं है, मैं देख लूंगा बाद में, फिक्र नहीं करो, असल में तुम लोगों के नाम भी याद नहीं है तो मेरे जहन में नहीं रह पाते शुरू में। खैर कुछ मार्क्स देना है, सबके मार्क्स किस में से आएंगे, आउट ऑफ 100 में से होंगे, ठीक है। तो हम दे लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, अब एक स्टूडेंट का मुझे रिजल्ट ऐसा वैसा मेंटेन करना है कि उसके 70s में आए, तो इनको मैं 78,
ठीक है, एक स्टूडेंट का मुझे 80 में से मेंटेन करना है ताकि मैं ग्रेड्स मल्टीपल दूंगा तो सारे चेक करने होंगे, 81, 84, 86, 82, 86. एक को मुझे 60s में देने होंगे, या चलो इनको देते 90s. हाँ हाँ सही है सही है, इनको दे देते हैं हम 60s में ना. अमीर साहब माजरत, लेकिन मजबूरी है, आगे ग्रेड समझ आने में आसानी होगी ना. अरे एक रह गया, इनको कुछ मिक्स मार्क्स देते हैं. ठीक है, इक्वल्स टू क्या करेंगे अब, इक्वल्स टू सम, और ये पूरी रेंज सेलेक्ट कर लेंगे. सही है, मसला आया तक इसको पैक कर देते हैं, किसी को परेशानी कोई? ठीक है, परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, थोड़ा फॉर्मेट भी देख लेते हैं, यहाँ पे फॉर्मेट थोड़ा सही नहीं है. एक तो यहाँ पे पता नहीं किसी को गुस्सा बहुत आ रहा होता है, कोई बंदा है यहाँ पर, ठीक है, ना जाने किस पर आ रहा है इसको. ठीक है, आउट ऑफ 500. जी बिल्कुल, परसेंटेज में फर्क होने लगेगा, परसेंटेज में नहीं ग्रेड में लगेगा फर्क होने. इसको साथ साथ सेव कर लेते हैं, अगेन दैट्स गुड अप्रोच. ब्राउज करेंगे, याद रखें शीट को सेव करते रह गए साथ साथ, अभी मेरी तो मिस हो गई थी, सेंस से मेरा निकल गया, वरना शीट को सेव करना जरूरी है. बयान साहब बड़ी जल्दी आए क्लास में. खैर, तो ये हमारे पास आउट ऑफ या जो भी हमारा बनता है सब कुछ आ गया. ठीक है, इसको सेंट्रलाइज कर देते हैं. अब यहाँ परसेंटेज, परसेंटेज कैसे आती है बाय द वे, ऑब्टेन्ड नंबर्स मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय. अभी आपको नहीं लगता कि हो सकता है 100 पहले 500 से डिवाइड हो जाए, फिर 100 फिर इससे मल्टीप्लाई हो जाए? जी भाई, जब हम दो नंबर्स को ऐड करते हैं ना, और जब हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं उसमें फर्क होता है. जब हम दो नंबर्स को ऐड करते हैं तो दो अलग अलग नंबर्स कंसिडर किए जाते हैं, लेकिन जब हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई डिवाइड किए जाते हैं करते हैं तो वो दो अलग अलग नंबर्स कंसिडर नहीं किया जाता, कंसिडर उनको एक ही नंबर किया जाता है. बस उनको क्या किया जाता है, किसी ऑपरेशन के थ्रू सेपरेट कर दिया, यानी मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के थ्रू. तो इसलिए ट्राई करें हमेशा क्या यूज करें, ब्रैकेट्स.
यानी अब एक ब्रैकेट है उसके अंदर दो वैल्यूज हैं, बोर्ड मास याद है ना, तो पहले ब्रैकेट ओपन होगा, इसका मतलब है पहले ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व होगा, ब्रैकेट के अंदर दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, अब जो मल्टीप्लाई हो गई तो ब्रैकेट के बाहर क्या हो गया, वो आपस में डिवाइड हो जाएंगे। सही बनी है परसेंटेज, 70s में बनी है, बिल्कुल सही बनी है। किसी की 70s, 80s, 50s, 90s, 60s और 70s फिर से ग्रेड बनाना है। कैसे बनेगा ग्रेड? हाँ ठीक है, हम क्या करेंगे यहां पर, इफ अगर एंड एंड के लिए एंड का भी देंगे कंडीशन, उसके बाद यहां पर एक और ब्रैकेट ओपन करेंगे लॉजिकल वन को ना अलग सेपरेट करने के लिए, फिर हम कहेंगे अगर तो आई फोर, अगर तो क्या आई फोर बड़ा हो या बराबर हो किससे, 40 से, और अभी लॉजिकल वन ही चल रहा है, लॉजिकल वन ही चल रहा है ना अभी, यानी इफ हाँ इसके अंदर का लॉजिकल टू चल रहा है, पहले वाले का लॉजिकल टू चल रहा है, और अगर तो क्या चीज ये वाला टोटल कौन सा है ये आई आई फोर, अगर तो आई फोर क्या छोटा हो किससे, 50 से, 50 से 40 से बड़ा है, 50 से छोटा है, तो क्या हो जाएगा भाई, एक और ब्रैकेट कॉमा, क्या होगा वैल्यू ऑफ ट्रू, इसका मतलब है डी ग्रेड बन जाएगा, डी ग्रेड हो गया ना भाई, कॉमा क्लोज्ड और ये कॉमा भी लगा दिया। अब यहां पे क्या रहा है वैल्यू ऑफ, देखो पढ़ो छोटा छोटा दिखा रहा है, वैल्यू इफ फॉल्स के लिए बताएं, वैल्यू इफ फॉल्स के लिए ना हमें यहां पर कुछ भी यूज नहीं करना, हम क्या करेंगे अब यहां मैं वैल्यू इफ फॉल्स के लिए कुछ नहीं दूंगा, यहां मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर अगला वाला इफ स्टार्ट कर दूंगा, इफ एंड अगर तो आई फोर बड़ा है या बराबर है 50 के, रेंज सेट किया मैंने 40 से लेकर, अब 40.00001 भी होगा ना, तो क्या होगा 40 से बड़ा ही होगा, ऐसा ही है ना, am I right or wrong, exactly right, ठीक है, और i4 अगर छोटा रहेगा 60 से 50 से 60 की रेंज बन रही है ना, तो क्या हो जाए c ग्रेड बन जाए, बेहतरीन। दोबारा इफ एंड, अब देखो मैं कुछ ब्रैकेट्स ऐसे हैं जो खोलता हुआ चला रहा हूँ, यानी एंड का और इफ का है ना, ये खुले हुए चला रहे हैं अभी क्लोज नहीं हो रहे हैं, आगे चलकर ध्यान रखने बंद करना है हमने, ठीक है, तो बहुत ध्यान से चलना और सुकून सुकून से, मैं तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ लेकिन मैं अगर अलग से बैठ कर भी बना रहा होता ना तो मैं ऐसे ही रवानी में करता नहीं चला जाता, ध्यान से पढ़ के समझ के करता, ऐसे नहीं मुझे आता तो जज्बात से बगैर देखे तुमसे बात कर रहे हैं ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं और कोड ये साथ साथ लिख भी रहे, ठीक है, बेसिकली तुम लॉजिक बना रहे हो, और हमेशा याद रखो जब भी कभी लॉजिक बना रहे हो ना तो कभी भी ना अपने आप को डिस्ट्रैक्ट मत करना, एक टाइम पर एक जगह दिमाग लगाना। खैर एंड अब किसकी रेंज बना रहे हैं हम लोग, 60 से 70 की, तो ब्रैकेट ओपन आई फोर अगर तो बड़ा होगा या बराबर होगा, ये चीज शाबाश, और i4 अगर छोटा होगा किससे, 70 से, शाबाश, एक और ब्रैकेट क्लोज कॉमा, इफ ट्रू तो क्या बनेगा d कॉमा, इफ फॉल्स में, इफ फॉल्स की जगह क्या करना है हमें, नया इफ खोल देना है, सही है, इससे ना मेरी या आपकी आने वाली प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में इफ एल्स इफ कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, इफ एल्स इफ, नहीं नहीं इफ पहले कहेंगे इफ एल्स इफ, ठीक है, यानी अगर वरना अगर, अगर ये हो जाए अगर 40 से 50 आ जाए तो बेटा डी ग्रेड दे देना, वरना अगर 50 से 60 आ जाए तो सी ग्रेड, वरना अगर 60 से 70 आ जाए तो बी, और वरना अगर 70 से 80 तो ए,
ये सीन है, इफ एंड आई फोर अगर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू किसके 70 से, और आई फोर अगर लेस देन हो किससे 80 से, आप चल रहे हमारे बच्चों का, तो क्या करेंगे, दोनों रेंजेस बता दी कॉमा, इफ ट्रू कौन सा ग्रेड बनेगा कॉमा, हाँ एंड आगे ब्रैकेट ओपन किया, ये ब्रैकेट मैं इसलिए ओपन करूं ताकि सेपरेट रखूं, जरूरी नहीं है आप ब्रैकेट ओपन करना, लेकिन अपनी चीज को सेपरेट रखो ताकि खुला खुला रहे, ब्रैकेट के झंझट में आप ब्रैकेट को सोच में अपनी नहीं आएगा, बस ये सोचिएगा ब्रैकेट जो ओपन कर रहे हैं उसे क्लोज करना है, ये चीज याद रखनी है आपने, और ये जो गाइडलाइन चल रही है ना इसकी मदद मतलब से काम करना है, इससे ऊपर नीचे नहीं जाना, अगर अगर आई फोर बड़ा रहेगा या बराबर रहेगा नहीं, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू कितना 80, अगर आई फोर इज लेस देन 90, मैं ऐसा क्यों नहीं कर रहा, मैं ग्रेटर देन और इक्वल्स टू कर रहा हूँ 80, लेकिन लेस देन 90 कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मैं पिछली बारी रेंज के अंदर ना जब मैं ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 80 कर रहा हूँ तो वहां पर मैं 80 के बराबर की वैल्यू चेक कर रहा हूँ, इसका मतलब है अगर 80 हुआ तो क्या बन जाएगा, ए प्लस ही बनेगा, और 90 होगा तो तभी ए प्लस बनता है, लेकिन कैटेगरी चेंज हो जाएगी ना, 90 से ऊपर वाली आ जाएगी, तो अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे 90 पे रखूंगा क्या, 100 लेस देन रखूंगा या इक्वल टू रखूंगा, अब तो हो सकता है किसी की इक्वल भी आ जाए, तो अब मैं साथ में इक्वल टू का साइन लगाऊंगा, देखो ब्रैकेट क्लोज करना है, एक ये क्लोज हो गया, ये ब्लू वाला देखो हो गया ना बेटा, ये देखो आई फोर इज लेस देन और इक्वल टू 100, इसके बाहर वाला देखो, इसके बाहर वाला है रेड कलर का, ऑरेंज से कलर का है, ये देखो ये हुआ हुआ, इसके बाहर वाला किस कलर का है, ध्यान से देखो ब्लैक कलर का, पर्पल कलर का है, इसके साथ लास्ट इफ के साथ पर्पल है, थोड़ा पिंक से पर्पल टाइप का है, हो गया क्लोज, होता जा रहा है ना, फिर उसके बाद क्या है, इससे ऊपर वाले इफ का ब्रैकेट, हाँ बिल्कुल देखो आ गया, उससे ऊपर कौन सा है देख रहे, ऊपर वाला हाईलाइट हो गया थोड़ा सा, बहुत मामूली सा हो रहा है लेकिन हो रहा है, अच्छा फिर उसके बाद कौन सा है, उससे ऊपर वाला, अभी तुम देखना है जो नीचे टूल टिप आ रही है ना, जब हमारे ब्रैकेट्स पूरे हो जाएंगे, एक तो देखते देखते करना, तो ये टूल टिप खत्म हो जाएगी, होने वाली है खत्म टूल टिप, तो बेटा लास्ट ब्रैकेट ब्लैक है ना, देखो आ गया, अब ये देखो वैल्यू ऑफ ट्रू है ना, ये है ना, लेकिन अभी क्या रहता है, क्या रहता है, एग्जैक्टली वैल्यू ऑफ ट्रू नहीं दिया ना मैंने, यहाँ पे मैं दूंगा ए, नहीं यही देना है, जिसके अंदर वाला ब्रैकेट है वो तो लॉजिकल का ही है, देखो सही है, ये वाले ब्रैकेट में देना है, क्या ग्रेड देना है, कॉमा, अब अगर आपको देना ना फेल का तो आप फॉल्स आ रहे ना, और कॉमा क्लोज हो गया, एंटर प्रेस कर, और इसे मसला यहां तक, यूजुअली मैं करता हूँ कि आधा मैं लिखता हूँ और आधा स्टूडेंट्स को देखता हूँ, आधा स्टूडेंट्स को दे देता हूँ, लेकिन अभी फिलहाल वो रवानी रवानी के अंदर मैं भी करता गया और आप लोग साथ साथ बोलते गए तो मैंने खुद कर दिया, अगर आप लोग थोड़ी सुन होने लगता है ना, खामोश होने लगता है, तो मैं आधा आप लोगों को दे देता हूँ, ठीक है, तो प्लीज आप लोगों ने मेरा ये वाला प्रोग्राम खराब नहीं करना है, तो फॉर्मेट दे देते हैं, यहाँ पे जाते हैं, तो उसको पता चलेगा ऐसे मेरा क्राइटेरिया जो है ना वो 40 से स्टार्ट होकर 100 तक, अब अगर किसी की 101 आ जाएगी या किसी की 39.99 तो क्या होगा, फेल होगा, जैसे कि देख लिया,
परसेंटेज और ग्रेड मैंने बताया है, परसेंटेज और ग्रेड में ये सीन नहीं होता फेल पास का। हाँ मैम सब सॉल्यूशन है हमारे पास, पता है क्या जिसकी ना हर पेपर में, चलो तुम लोगों ने कहा ही है तो बना रहे थे, अगर तुम लोग नहीं कहते ना तो मैं नहीं बनाता। फेल पास कैसे बनाएंगे, उसकी हर पेपर में क्या आनी चाहिए, हम लोग पाकिस्तानी है ना, 33 वाले हैं। कर दिया अब, क्या बात है यार, काश हमारे टाइम में भी होते। पैदा भी अब बी ग्रेड कितना बनता है इसके? तो पैदा पैदा भी क्या बन रहा है यूनिवर्सिटीज में, यूनिवर्सिटी वाला सिस्टम लेकर आ रहे हैं। तो भाई फेल पास बनाते हैं, फेल पास में क्या होगा, फेल पास में क्या होगा, इफ इफ एंड, अब सुनो इसमें एक ही कंडीशन लगेगी टोटल, अगर तो ये ब्रैकेट ओपन करो, अगर तो इंग्लिश वाला ग्रेटर देन होगा या इक्वल्स टू होगा इससे 40 से कॉमा, अगर तो मैथ वाला ग्रेटर देन और इक्वल्स टू होगा 40 से, अगर तो मेरे पास फिजिक्स वाला ग्रेटर देन और इक्वल्स टू होगा 40 से, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू होगा 40 से, और इक्वल्स टू होगा 40 से, तो भाई ये मिलेगा उसे। ठीक है, मैंने सब कुछ एक साथ लगा दिया, मैंने कहा अगर ये 40 से बड़े होंगे तो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। आप कौन कौन से ब्रैकेट्स रह गए, एक और ब्रैकेट क्लोज कर दो, कॉमा, कॉमा, चल इसी में छुरी चलाते हैं फिलहाल। सही है, 98 है, 20 है, मतलब 99 आ गए, लेकिन फिर भी क्या है ये, क्यों, और जहां उसके 40 हुए पास हो गया। ठीक है, हो गया फिर। अब पता क्या कर सकते हो, ये देखो यहाँ पे भी इंडिकेट कर सकते हो, एक तो इसको थोड़ा सेल स्टाइल दे दो, यहाँ पे इधर आओ सेल स्टाइल में जाओ और अच्छे से कुछ स्टाइल दे दो, देख रहे हो। दूसरा ये यहाँ पे शीट में भी जाना, थोड़ी हेडिंग वेडिंग के अंदर काम वाम तो करो, सेल स्टाइल्स दो यहाँ पर आके, तुमने कहा कि भाई मैं जो ना वो इनको मजीद स्टाइल इससे ज्यादा देना चाह रहा हूँ कि वो जो रॉ और कॉलम्स ये जो बॉर्डर्स थे वो भी देना है। ठीक है, बॉर्डर आ गए। ठीक है, इसके अलावा तुमने कहा भाई जिन जिन के जो ग्रेड है ना मैं सेट करना चाह रहा हूँ, जिनके पास है उन पर क्या करना चाह रहा हूँ, क्लीन हो जाएंगे ये सेल स्टाइल में गए, यहाँ पर है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, इसको ओपन करो और क्या लिखा हुआ है, हाईलाइट सेल रूल्स क्या होगा, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन या फिर इक्वल्स टू, तो इक्वल्स टू में तुम वैल्यू दे सकते हो, क्या हो जाएगा इक्वल्स टू, यहां पे सेल का एड्रेस है और यहां पे क्या लिखा हुआ है, ये कौन सा कलर आएगा। ठीक है, तो एक मिनट,
यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो, टॉप बॉटम ये टैक्स का सेल है, इक्वल टू मैंने कहा भाई जिस जो इक्वल टू पास होगा ना, ठीक है अच्छा यूजुअली क्या होता है दूसरे सेल्स पर अप्लाई हो रहा होता है, ठीक है यानी उनका ये कलर अप्लाई हो जाएगा, होगा क्या कि मुझे ये ना यहाँ पे लगाना होगा, अभी मैंने इसको सिंपल है ग्रेड्स पे लगाते हैं। हाईलाइट सेल करेंगे, ठीक है इवन तुम कलर कर सकते हो, ये वाले सब वेरी जैसे टॉप बॉटम रूल में जाके दे सकते हो, इक्वल्स टू कर सकते हो, ग्रेटर देन दे सकते हो, जो भी तुम्हें तुम्हारे दिल करे, रेंज दे दो तुम, रेंज है भाई ये वाली तुम्हारी, ये रेंज नहीं इसको ना, ये बेसिकली रेंज मांगता भी है रहता है, सही काम नहीं कर रहा शायद, पॉसिबिलिटी है नहीं नहीं होगा तो फिर ये वाली रॉ परेशान करेगी, ये रेंज मांगता है हो जाता है, मैं देखता हूँ क्या इशू आ रहा है यार, बेसिकली रॉ तो फिर ये एक होगी ना, तो एक पे नहीं लगाना मुझे, एक मिनट रुक जाओ देखते हैं, एक मिनट रुक जाओ मुझे ना असल में वैल्यू देनी, यहाँ पर ये वैल्यू मांगता है अभी जो ना, ये वैल्यू मांग नहीं रहा है, बेसिकली वैल्यू पे काम होता है, होता क्या है कि आप एक वैल्यू देते हो वो जो भी ये वैल्यू के बराबर जो भी होगा उस पे ये आंसर आ जाएगा, ठीक है खैर उसको देख लेंगे मसला नहीं है, पता चल जाएगा अभी मतलब देख कहाँ पर कह रहे हो, हाँ 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 सॉरी 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 ये रहा टेक्सचर कंटेन, सॉरी थैंक यू यार, थैंक यू। तो ये हमने सेल सेलेक्ट कर लिया, ठीक है अब जो सेल इसमें से ये कंटेन कर रहा होगा ना, टेक्स दैट कंटेन क्या होगा देखना अभी क्या लिखा हुआ है, जो पास कंटेन करता होगा, ठीक है वो किस कलर का हो जाएगा, ग्रीन कलर दे देता है, ये सारे हो गए, अब मैं अगर इसको कम कर दूंगा ना, मैंने इसको कर दिया 32 सही, रेड कलर डालते हैं, टेक्स्ट हाईलाइट में ही जाएं, ठीक है यहाँ पर ग्रेटर देन है, आप इसको लेस देन कर दें, यानी जिसकी वैल्यू भी फॉर एग्जांपल लेस देन 40 होगी तो वो हो जाएगा यहाँ पे, एक मिनट असल में यूज वेरी सही है, जो फॉर्मेटिंग होती है ना ये इंटीजर्स पे चल रही होती है, हम इसे टेक्स्ट पर दे रहे हैं, यानी अगर ये वाला सीन हो तो ये हो जाए, इसलिए मुझे भी मसला करते हुए लग रहा है, ऐसे 32 है या लेस देन 40 दे दें तब ये चल जाएगा, अभी तो अगेन ये अपना स्टाइल भी चेंज नहीं कर रही है, हाँ ये हो सकता है, अच्छा आइडिया गुड है, ये कर सकते हैं फॉर एग्जांपल जैसे ये कह रहे हैं टेक्स्ट सेट कंटेन वाले, तो आप उसे रेड सेट कर ले, मैंने सेलेक्ट कर लिया पूरी रेंज को, ये भी अच्छा आइडिया, टेक्स्ट सेट कंटेन के अंदर आप क्या सेट कर दें, आप फील्ड सेलेक्ट कर दें, इसको सब जगह अप्लाई कर देंगी तो ये सब जगह हो जाएगा, अब जो जो भी फेल हो रहा होगा तो वो रेड हो जाएगा इस तरह से,
है। फिलहाल हमने क्योंकि अभी ज्यादातर हमने इनको चेंज कलर किए थे तो सबके स्टाइल फिलहाल जो है वो चेंज हो गए। सही है। अच्छा बहरहाल इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हमारे पास, ग्रेड वगैरह आ गए, पास फेल चेक कर लिया। इसके अलावा ना हम क्या करते होते हैं, यूजुअली डेटा भी चेंज कर रहे होते हैं, एक नई शीट बना लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कुछ यूजर थे और वो चाहते हैं कि ना उनका कोई डेटा, यानी मेरे पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं और मैं एक सेकेंड शीट के अंदर चाह रहा हूँ कि मैं उस यूजर्स को वो प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ और विद रिस्पेक्ट टू दोज प्रोडक्ट्स मुझे उनकी प्राइस शो हो जाए। ठीक है, जैसे कि प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट नेम और अब ये मेरा एक टेबल है जो मैं मेंटेन कर रहा हूँ शुरू से लेकर ना, और वो क्या रहा है कि मैं इसी टेबल के ग्राफ पे काम कर रहा हूँ और मेरे ये सारे प्रोडक्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल और हमारे पास और कौन कौन से फ्रूट्स हैं, मैंगोज हो गए और बनानाज हो गए, ऑरेंजेस हो गए। अब एप्पल जो है वो मेरे पास फॉर एग्जांपल 20 रुपीस, बनाना जो है वो मेरे पास 15 रुपीस का है। ठीक है, पीस जो है वो 10 रुपीस का है। और जो मेरे पास मैंगोज हैं फॉर एग्जांपल वो 30 रुपीज़ का एक है और ऑरेंज जो है वो 25 रुपीज़ का एक है। ये मेरे पास प्राइसेस हैं। ठीक है, ये मेरा एक टेबल है जिसमें कुछ प्रोडक्ट्स मेरे पास स्टोर्ड हैं और मेरी प्राइसेस वगैरह सब मेंटेन है यहाँ पर। ठीक है, और ये मेरा टेबल है, इसका मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने पास कुछ प्रोडक्ट सेल करता हूँ और होता क्या है कि वो प्रोडक्ट्स यहाँ से गेट कर रहा होता हूँ, यानी जो प्रोडक्ट का नेम है जो सब चीज़ें हैं वो यहाँ से आ रही होती हैं, प्राइसेस प्रोडक्ट सब कुछ। ठीक है, अभी एक सेकंड शीट है जहां पर मुझे मास को उसका टोटल बताना है। तो मास ने कुछ सेटअप खरीदा है, यानी कुछ चीजें मुझसे खरीदी हैं। ठीक है, तो मुझे मास को बताना है। मैं कहूंगा यार देखो तुमने इतना इतना सामान खरीदा है तो क्या करूं, देखा सर मुझे आप टोटल बता रहे हैं कि रफली, मैं देखा चलो अच्छा रुको मैं डेटा लेकर आता हूँ वहां से कि तुमने क्या क्या खरीदा है। बोला सर आपकी शॉप से ये चीजें खरीदी हैं। मैंने कहा ओके, और मैंने क्या किया, मैंने रफली प्राइसेस बनाई और पहले तो डेटा लेकर आया, मैंने कहा कि प्रोडक्ट आ गई, ठीक है क्वांटिटी आ गई और इसके अलावा प्राइस पर प्रोडक्ट आ गई। और बेसिक सिंपल सा सीन है, तो यहां पर बस प्रोडक्ट आ गई, प्रोडक्ट कहां से आएगी, उस शीट से आएगी। तो यहां पे जाएंगे डेटा के टैब में, डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, दिख रही है, पहले शीट को सेव कर लें। इस सेल को सेलेक्ट कर लें, डेटा वैलिडेशन में आ जाएं और आप क्या करें यहाँ पर इसको ना लिस्ट में ले जाएं, यानी आप क्या करना चाह रहे हैं इसके अंदर क्या नजर आया आपको, सिर्फ और सिर्फ एक लिस्ट। यहाँ पे रेंज सेलेक्ट करने का ऑप्शन पे क्लिक करें, शीट वन में जाएं और ये जो अपनी प्रोडक्ट्स है ना इनको सेलेक्ट कर लें, एप्पल से लेकर ऑरेंज तक। हेडिंग सेलेक्ट नहीं करनी प्रोडक्ट नेम की, सिर्फ प्रोडक्ट्स, इसको ओके कर दें। अब यहाँ देखेंगे ना तो ड्रॉप डाउन में आपकी प्रोडक्ट्स आ जाएंगी। आ गई, मुश्किल है कुछ समझ में आई बात यहाँ तक, आ गई। उसके बाद क्वांटिटी है, क्वांटिटी आपने कहा भी 5 क्वांटिटी है, यहाँ पे पहले से सेट कर दें कि दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, सिंपल आ गई वैल्यू। अब ये प्राइस मुझे लेकर आनी है कहाँ से, उस शीट से, इक्वल्स टू वी लुकअप, इक्वल्स टू ये वर्टिकल लुकअप है। क्या करते हैं वर्टिकल लिस्ट के अंदर ना डेटा को सर्च करके लाता है, क्या कह रहा है लुकअप वैल्यू क्या, यानी किस कौन सी वैल्यू के अगेंस्ट आप वैल्यू देख रहे हो, यानी फिलहाल मुझे प्रोडक्ट के अगेंस्ट उसकी क्या चाहिए,
प्राइस, तो मैंने कहा मैंगोस के अगेंस्ट चाहिए। इसने कहा ओके, इसने कहा मुझे वो टेबल बताओ जहां पे वो डेटा मौजूद है। टेबल यार क्या है, मैं इसको ले गया भाई चलो शीट वन में। शीट वन में ना एप्पल से लेकर और ये 25 तक का सेल सेलेक्ट कर लो। शीट टू में आ जाओ, अब देखो सिलेक्शन कहां बनी आ रही है, वन पे या टू पे आ रही है ना, देखो वन पे आ रही है, टू पर आ रही है, टू पे आ रही है। यहाँ पे एड्रेस भी किसका लिखा हुआ है, टू का, इसको टू को जगह दो, वन कर दो। अभी अगर मैं इसको ड्रैग करता गया तो क्या होगा, रेफरेंस आउट हो जाएगा। तो इससे क्या करेंगे हम, फ्रीज एनी एब्सोल्यूट रेफरेंस F4। इसके बाद क्या होगा, कॉमा। ये मुझसे कह रहा है कि वो कॉलम नंबर एड्रेस इंडेक्स बताओ जिसके अंदर प्राइस पड़ी हुई है। तो अगर देखा जाए तो पहला कॉलम कौन सा है, वहां पर सीरियल नंबर का है। दूसरा कॉलम किस चीज का है, तीसरा कॉलम किस चीज का है, तो मुझे तीसरे कॉलम में से वैल्यू चाहिए ना, नहीं दूसरे कॉलम में से चाहिए। क्यों, क्योंकि सिलेक्शन कितने कॉलम्स की थी मैंने, दो की। उस हिसाब से कौन से कॉलम में डेटा हुआ, ये सेकंड वाले कॉलम में चाहिए। तो मैंने कहा सेकंड कॉमा, इसने कहा मैं रफली अराउंड यानी अप्रोक्सीमेट वैल्यू ला दूं। फॉर एग्जांपल मैंगोस 25 के और ऑरेंज 26 के हैं, तो क्या पता मैंगो के आगे ऑरेंज की प्राइस आ जाए और ऑरेंज के आगे मैंगो की प्राइस आ जाए। मैंने कहा नहीं, एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए। फॉल्स, ब्रैकेट क्लोज कर दिया मैंने, एंटर कर दिया। अभी आ जाएगा, आ गया, देखो क्वांटिटी 5 कितने हैं, 30। वैल्यू कैलकुलेटर अगर आ गई। अच्छा मैंगोस की जगह मैंने वैल्यू चेंज की, मैंने कहा यार मुझे चाहिए एप्पल्स, ये देखो प्राइस चेंज होकर आ गई। अब सब कुछ ऑटोमेटिकली होगा, अब मुझे खुद से कुछ नहीं करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल इसने कहा सर मैंने 3-4 फ्रूट्स लिए हैं, मैं कहूंगा यार देखो बताए क्या सीन है तुम ना। सर फल मैंने कुछ और खरीदा है, तो फल मैंने लिया है फॉर एग्जांपल ऑरेंजेस, ऑरेंज की प्राइस कुछ और है, और यहाँ तक मसला कोई ये फिर इसे नीचे लेके जाओगे ऑटो फिल के अंदर सेलेक्ट ही नहीं हो पाएगा। क्यों, एनए क्यों आएगा, यू एनए कुछ है ही नहीं, क्योंकि इसके अगेंस्ट कोई फ्रूट ही नहीं है ना यहाँ पर। अगर कोई वैल्यू होती तो फिर आता, सही मसला है यहाँ तक। किसी को कुछ पूछ रहे हैं तो पूछ रहे हैं। किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई कुछ पूछना चाह रहे हो तो पूछ सकते हैं। एनीवन एनी क्वेश्चन प्लीज। यहाँ पर वही प्राइस आ रही है, एप्पल की प्राइस देखिए 20 रुपीज है, ठीक है, और यहाँ पर एप्पल की प्राइस क्या आ रही है, 20, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो मेरी शीट वन है उसके अंदर मैंगोज की प्राइस क्या है, 30। मैंगोस की प्राइस यहाँ पे क्या आएगी, अगर मैं इसको सेलेक्ट करके मैंगोस पे ले जाऊँ तो कुछ भी चेंज नहीं होगा। ये कब काम आता है, जब हमारे पास एक शीट में प्योर स्टॉक पड़ा हुआ और सेकंड शीट में हम सिर्फ उसका डाटा यूज कर रहे हो यहाँ पे कि भाई ये यहाँ पर आ जाए, फिर शो हो जाए, हमें छेड़ना नहीं होता अब सर जी। नहीं नहीं, डिफरेंट कस्टमर बोलता भाई मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे चाहिए, तो हम सबको प्राइस तो एक ही देंगे ना भाई, ये सीन। मतलब डेटा वैलिडेशन वाला बता देते हैं। देखें आपने क्या करना है, आप फॉर एग्जांपल यहाँ पर आ गई, यहाँ पर किसी भी सेल में आ गई, आप जाएंगी कहाँ पर, आप किसी भी रैंडम सेल पर आ गई, आप कहाँ जाएंगी, डेटा डेटा वैलिडेशन। यहाँ पे आपने क्या करना है, लिस्ट, क्या करना है, लिस्ट। इधर आएंगी रेंज सेलेक्ट करेंगी, शीट वन में आएंगे, सिर्फ एप्पल से लेकर और यहां तक का डेटा बस, और ओके कर दें। अब इसको रेंज सही नहीं मिली है,
तो इसको रेंज दे देते हैं, मसला नहीं है। क्या कह रहे हैं भाई? अच्छा, हाँ जी, मैं प्राइस में, क्योंकि मल्टीपल कॉलम लेकर आ रहा था, इसे कैसे, ये था लिस्ट, और लिस्ट जब मैं लेकर आ रहा हूँ तो जाहिर है मुझसे कह रहे हैं कि भाई आप मतलब एक टाइम पे एक ही चीज लेकर आ सकते हो। ये किया मैंने, ओके कर दिया। अब यहाँ देखिए ड्रॉप डाउन आ गया, ये इसमें से कोई प्राइस प्रोडक्ट लेकर आ सकते हो। सही मसला यहाँ तक, इतनी सी बात है, डिलीट विलीट भी कर सकते हैं लोग, टेंशन। सही, यहाँ तक कोई परेशानी? तो मुझे याद है हमने आपको, हमने डिस्काउंट शीट बनाई थी, आप क्या कर सकती हैं, यूजर को डिस्काउंट तो देंगी ना बाद में। आपने कहा चलो ऐसा करूँ, इस शीट के अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं और जो प्राइसेस हैं वो मैं दूसरी शीट से लेकर आ जाती हूँ, ये कर सकते हैं। ऐसा होता है, हम सिर्फ प्रोडक्ट का नाम लिखते हैं, सामने वाले सेल में प्राइस आ जाती है ऑटोमेटिकली। सही, बस इतनी सी बात है, और कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। यहाँ देखें सिर्फ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई कर दिया ना तो क्वांटिटी चेंज हो रही है। फॉर एग्जांपल ये 20 हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ प्राइस चेंज हो जाएगी, ये 5 कर दिया तो प्राइस कम हो गई। ठीक, कोई मसला, कोई परेशानी? चलें गुड है, प्रैक्टिस करें, मुझे बताएं फिर कि क्या, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही तो मुझे बताएं।